सर ये बताइएगा कि आप यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, हमारे साथ जो दंगा मुश्तकी है, हमारे कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथ ज्यादा की है, सारा पाकिस्तान देख रहा था आप भाइयों के जरिए। अभी भी सूरत हाल आपके सामने है, कंसर्न एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खोल दें रेस्टोरेंट। मैंने आप लोगों को मीडिया के ये यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे पास तमाम कानूनी तकाजे पूरे हैं। हमजा शहबाज शेख की गिरफ्तारी के रेस्टोरेंट मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमजा भाई प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू कम आउटसाइड ऑफ योर हाउस सो दैट वी मे एग्जीक्यूट वारंट ऑफ अरेस्ट, दैट इज अ लीगल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अबाइडिंग सिटीजन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दीवारों के पीछे ना छुपे, आप काइंडली बाहर तशरीफ लें। सर अगर गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार करने नहीं देते तो क्या करेंगे? अगर गिरफ्तार करने नहीं देते तो क्या करेंगे? हम यहाँ बैठे हैं, फिर क्या लाए हमें सारा दिन इधर बैठे हैं? कानून अपना रास्ता खुद करेगा। आज किस केस में गिरफ्तार करेंगे? हम इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात से तजावुज के केस में अरेस्ट करने के लिए आए। इस वक्त क्या कहेंगे, क्या गाड़ी का बस अब इनसे बात कर रहे हैं कि हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है फील्ड में, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पेसिफिकली उस ऑर्डर को सेट साइड नहीं करता तब तक गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। तो सर ये आने से पहले इन्होंने बताया था आपको कि आज हम आ रहे हैं? नहीं जी, ये रियासती दहशत गर्दी है और ये बड़ा नामुनासिब रवैया है, कोई कन्वे नहीं किया गया इस तरह से। मैं ए बाड़ो बना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उसे कोई जरूरत नहीं है पेशगी बताने की। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले नोटिस करना चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट की बात से आप को निगेट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट? वो तो एक जनरल परसेप्शन है ना कि करना चाहिए गिरफ्तार या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एक किसी शख्सियत के हवाले से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद है सफा मिशन और उसका इनको पता है तो फिर नोटिस देने में क्या है। ठीक है।